290 शेयर है. ओके, एंड प्राइस इज 720. 720. आपने विजय हाल फिलहाल ही शेयर लिए हैं? नहीं सर, आई हैव मैंने लिया था 820 में, तो एवरेज करके मैंने 720 किया हुए. अच्छा, एवरेज किया आपने, ठीक है, अच्छा किया आपने. वैसे आईआरसीटीसी में आशीष जी, आईआरसीटीसी अगर हम बाकी अगर हम रेलवे स्टॉक से तुलना करें, आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन, तो थोड़ा सा कम चला है. क्या उम्मीद करके चलें कि ये कैचअप करेगा? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं रेलवे को लेकर ना, वो बड़े उत्साहजनक हैं. वंदे भारत ट्रेनें लगातार बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, कमाई के नए रास्ते खोज रही है आईआरसीटीसी. एक हम खबर लेके आए थे एक्सक्लूसिव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगी टिकट बुकिंग को लेकर, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और रफ्तार भी बढ़ेगी. आप बुलिश हैं इस शेयर पर? हाँ जी, मैं इस शेयर पे काफी बुलिश हूँ और मेरे को लगता है कि शेयर रिलेटिवली नहीं चला, तो इसलिए थोड़ा सेफ भी है. और मेरे मुताबिक इसका एक्चुअली बाकी रेलवे शेयर से एक्चुअली बेटर है मॉडल, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है और चाहे टिकटिंग की सवाल हो या केटरिंग का हो, वो तो बढ़ना ही है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है, नई ट्रेन आ रही हैं और जैसे जैसे नो यातायात बढ़ेगा, थोड़ी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लोगों का काफी रुचि हो रही है टूरिज्म की तरफ भी, और वैसे भी काम काज बढ़ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो रेलवे का तो बढ़ना ही है ट्रैफिक, और इसका सीधा सीधा बेनिफिट आईआरसीटीसी को तो मिलना ही मिलना है, उस तरह से भी बड़ा सेफ शेयर है और मेरे मुताबिक तो इसमें जरूर आगे चल के अच्छे रिटर्न आने चाहिए. ओके, तो ये है सलाह आईआरसीटीसी पर. अब अगला सवाल ले लेते हैं. हमारे साथ औरंगाबाद से रोहित जुड़े हैं फोन लाइन पर. रोहित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना. जी मैडम जी, पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मुझे चांस दिया हमारा सवाल पूछने के लिए, और सभी को बधाइयां भी देना चाहूंगा लाइफ हाई के लिए. मेरे पास शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का, जो कि 22 रुपए की हाल फिलहाल की खरीद है. इसमें मैं 2 से 3 साल दे सकता हूँ 5,000 शेयर से, और इजाजत दे तो और एक शेयर पूछना चाहूंगा जो कि है आईओसी, और लिया है 90 की खरीद पे, और उसके 1,000 शेयर से उसमें मैं 5-6 साल दे सकता हूँ, तो प्लीज आप गाइड कीजिएगा. 5-6 साल, बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमें संपर्क करने के लिए, और बाजार जो रिकॉर्ड लेवल बना रहा है उसके लिए आपको भी ढेर सारी बधाई. उम्मीद है आपको भी इसका फायदा मिल रहा होगा. लेकिन जो स्टॉक्स आपने लिए उस पर एक बार राय ले लेते हैं. आलोक इंडस्ट्रीज पर पहले सवाल ले लेते हैं. आशीष जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? वैसे तो काफ़ी सारे रिवाइवल की बात चल रही थी स्टॉक में, फिर उसके बाद तेजी भी देखने को मिली, लेकिन इनकी जो खरीद है वो हाल फिलहाल की ही है. 22 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा कारोबार कर रहा है, हालांकि आज ऊपर है 4%, लेकिन क्वांटिटी भी ज़्यादा ले रखी है, इस वजह से नुकसान है 6,000 के आसपास का. अगले 1 से 2 साल का समय देना चाहिए इन्हें आलोक इंडस्ट्रीज में? देखिए मेरे मुताबिक तो कंपनी टर्न अराउंड का तो हो चुका है, और मेरे मुताबिक 1-2 साल के नजरिए से यहाँ से ठीक ठाक रिटर्न आने चाहिए. कोई कंपनी का कारोबार मेरे मुताबिक तो बढ़ना चाहिए आगे चल के, और जो टर्न अराउंड है उसके बाद धीरे धीरे उनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होनी चाहिए. तो मेरे को तो लगता है कि अगर 2 साल का नजरिया है तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आना चाहिए. ठीक है, तो अच्छे समय पर आपने एंट्री की है स्टॉक में. अब फाइनेंशियली भी देखेंगे हम, जल्दी ही इनके नंबर्स में भी टर्न अराउंड दिखेगा तो उसका फायदा आपको मिलेगा. ठीक है.